केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित रूप से दुरुपयोग को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा है कि सरकार विपक्ष की ना झुकने वाली आवाज को दबाने की राजनीति कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूँ यति आपके साथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कि सरकार विपक्ष की ना झुकने वाली आवाजों को दबाने में लगी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई इसका ही एक हिस्सा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को पेश होने के लिए समन भेजा गया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, भाजपा सरकार विपक्ष की मोहर आवाजों को इतनी भयभीत क्यों कर रहे। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सरकार सारे हथकंडे अपना कर बस विपक्ष की ना झुकने वाली आवाजों को दबाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर एजेंसियों की कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता सब देख रही है, इसका हिसाब जनता खुद लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या के कुटिल प्रयास कर रही है। उन्होंने भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार के ठिकानों पर प्रवर्तन दिशा निर्देशालय के छापों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था। अधिकारियों ने बताया है कि तेजस्वी यादव को पहले 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद शनिवार के लिए एक नई तारीख दी गई। यह मामला रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को तोहफे में जमीन देने या सस्ती जमीन बेचने से संबंधित है। यह मामला उस वक्त का है जब राजद प्रमुख 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री हुआ करते थे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष के खिलाफ सारी पार्टी एकजुट होकर आवाज दे रही है, आवाज लगा रही है, इसके बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।